सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फूटी कुकीज़। ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। टूटी फ्रूटी कुकीज़ बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिया है, ये 75 ग्राम्स बटर लिया है मैंने, ये रूम टेम्परेचर पे बटर है मेरा, 2 कटोरी मैदा लिया है, आधी कटोरी कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1 कटोरी भरकर पाउडर शुगर ली है, 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, टूटी फ्रूटी ली है, ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने वनीला एसेंस लिया है, आप इसमें कोई भी एसेंस का यूज़ कर सकते हो, रोज़ वाटर, मिक्स फ्रूट एसेंस या पाइनएप्पल एसेंस। तो बटर में हम पाउडर शुगर को ऐड कर देंगे, अगर आपका बटर रूम टेम्परेचर पर नहीं है तो आप उसे मेल्ट कर लीजिए। बटर और पाउडर शुगर को हमें मिक्स कर लेना है। बटर और पाउडर शुगर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर दूंगी। मेरी छोटी कटोरी है इसलिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, अगर आपकी कटोरी बड़ी है या फिर आप कप से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप 1 कप मैदा लीजिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें, और कस्टर्ड पाउडर जो हमने लिया था उसे भी डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे उसे भी डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। हम एगलेस कुकीज़ बना रहे हैं, अगर आप अंडे डालना चाहें तो इस वक्त 1 से 2 अंडे आप डाल सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छी तरह से बटर को और मैदे को हमें गूंद लेना है हाथों से। बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए मैदे में। अभी हमें मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना है, ये देखिए हाथों से आप प्रेस करके देख लीजिए, अगर आपका डो बन रहा है तो समझ जाइए बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टीस्पून दूध ऐड करूँगी, दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना है, अगर लगा तो और ऐड करेंगे। अभी सिर्फ मैंने 2 टीस्पून ही ऐड किया है और हमारा डो अच्छे से बन रहा है। तो ये देखिए हमारी कुकीज़ का डो बनकर रेडी हो चुका है। हमने 1/2 कप दूध लिया था बट पूरा यूज़ नहीं किया, सिर्फ 2 टीस्पून ही दूध का हमने इस्तेमाल किया है इसमें। डो कुकीज़ का इतना सॉफ्ट हो कि हम जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप हो जाए, और इतना थिक हो कि जब हम उसे तोड़े तो वो 2 टुकड़ों में हो जाए, तो बिल्कुल परफेक्ट हमें इसी तरह से कुकीज़ का डो चाहिए। तो डो हमारा बनकर रेडी है कुकीज़ का, अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं।
इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, और हल्के हाथों से आपको काम करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है डो पर। हल्के हाथों से हम इसको रोल कर लेंगे। जितनी मोटी या जितनी पतली आपको साइज़ चाहिए कुकीज़ का, उस हिसाब से आप इसको हल्के हाथों से रोल कर लीजिए, और साइड को थोड़ा चौकोन टाइप आप इसको शेप दे दीजिए। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। ये मैंने जिलेटिन ली है। अगर आपके पास जिलेटिन नहीं है तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जिलेटिन से हमें डो को अच्छी तरह से रैप कर लेना है, बिल्कुल बीच में एयर नहीं होनी चाहिए। टाइटली आपको रैप करना है इसको, बिल्कुल टाइट, जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट। इसके किनारियों को आपको फोल्ड कर लेना है। इसको थोड़ा सा मैं रोल कर रही हूँ ताकि इसकी जो ऊपर की स्किन है वो प्लेन हो जाए, चिकनी हो जाए। बिल्कुल टाइटली आप इसको रैप कर लीजिए, फोल्ड कर लेना है आपको टाइट एकदम। तो एक साइड का हमने फोल्ड कर लिया है, अब दूसरी साइड को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसको हमने रेडी कर लिया है। अब 2 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि डो हमारा सेट हो जाए। फ्रीज़र में नहीं रखना है आपको। तो ये देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं, डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसको बाहर निकाल लेंगे हम। नाइफ़ से इसको कट कर लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको कट करना है, प्रेशर नहीं देना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा डो सेट हो चुका है, कुकीज़ अच्छे से कट हो रही है। जितना मोटा या पतला साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ से आप कट कर लीजिए। ये देखिए कुकीज़ हमारी कट हो रही है अच्छे से। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इस पर मैंने बटर पेपर को रख दिया है। अब जो कुकीज़ हमने कट करके रखी थी उनको हम इस पर रख देंगे। बीच में आपको गैप देना है, गैप देकर आपको रखना है, चिपकाना नहीं है, क्योंकि कुकीज़ हमारी बेक होंगी तो फूलेंगी और आपस में चिपक जाएंगी, इसलिए आपको गैप देते हुए इसको रखना है। और जितने कम टेम्परेचर पे आप इसको पकाओगे उतनी अच्छी आपकी कुकीज़ बेक होगी। 150 टेम्परेचर पे आपको 15 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। तो मैंने ओवन में इसको रख दिया है और 15 मिनट्स के लिए इसको बेक होने देते हैं। 150 टेम्परेचर रखा है मैंने। तो ये देखिए कुकीज़ हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो टूटी फ्रूटी कुकीज़ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। कितनी अच्छी और क्रिस्पी हमारी कुकीज़ बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो